Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. Today, we are going to discuss some important topic of chapter four, that is, more on word. So let's start, students. There is some important words in this chapter, like thesaurus, a tool that provides synonyms and antonyms for a word. थेजर्स क्या होता है एक वो टूल जो भी किस जो किसी वर्ड के लिए उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स प्रोवाइड करवाता है मार्जिन मार्जिन क्या होता है आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि द स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द टेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी जो डॉक्यूमेंट पेज है उसमें और जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑरिएटेशन द डायरेक्शन इन विच द टैक्सट इन अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑरेंटेशन क्या होता है आप जिस डायरेक्शन में कोई भी टैक्सट लिख रहे हो वो आपके डॉक्यूमेंट में किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं किस तरीके से वो लिखा जा रहा है वो होता है ऑरेंटेशन नेक्स्ट लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग क्या होता है द वर्टिकल स्पेस बिट्वीन द लाइन्स ऑफ द टैक्सट इन अर डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट में जो आप लिख जो आप टाइप कर रहे हो जो आपके टेक्स्ट हैं उन लाइंस के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होता है उसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग द स्पेस बिफोर और आफ्टर टू पैराग्राफ्स पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ टाइप किए हैं तो उन टू पैराग्राफ के पहले और बाद में जो स्पेस छोड़ा जाता है वो होती है पैराग्राफ स्पेसिंग ओके स्टूडेंट्स नाउ

तो अगर उसमें कुछ वर्ड वाली मिस uh, स्पेलिंग है कुछ मतलब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको कैसे शो होगी उस पर्टिकुलर वर्ड के नीचे रेड लाइन अंडरलाइन बन जाएगी ठीक है अगर आपने कोई भी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखी है तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाएगी एंड अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है अगर आपके पूरे सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो ब्लू लाइन से अंडरलाइन हो जाएगा तो ये था स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को कैसे चेक किया जाता है नेक्स्ट है द थेजर्स फीचर्स इज़ यूज टू फाइंड सिनोनीयम्स एंड एंटोनियम्स फॉर वर्ड्स एंड अलाउ अस टू रिप्लेस अ वर्ड विद वन ऑफ़ इट्स सिनोनीम्स अभी आपने पढ़ा था कि थेजर्स क्या होता है किसी भी वर्ड के लिए उसका सिनोनीम्स और एंटोनियम्स फाइंड करता है जिससे कि वो उस वर्ड की जगह उस सिनोनीम्स को रिप्लेस कर सके नेक्स्ट द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स कैन बी यूज टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर वर्ड और टेक्स्ट फाइंड और रिप्लेस कमांड का क्या काम होता है ये उस आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो जो फाइंड और रिप्लेस कमांड होती हैं वो काम में आती है द हेडर एंड फूटर कमांड इज़ यूज टू एड सम इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ अ पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट हेडर एंड फूटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डालना है लाइक like कोई टाइटल डालना है पेज नंबर डालना है या फिर उस राइटर का नेम डालना है तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम ऊपर की साइड और नीचे की साइड अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डालना है तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं हेडर एंड फूटर कमांड को नेक्स्ट है द इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट कमांड अंडर द होम टैब Uh, होम टैब में मिलेगी जो कि किस काम में आता है आपको अपने लेफ्ट मार्जिन से जो टेक्स्ट है उसको कितने इंच uh, उसके क्लोज लेके आना है उसको कहाँ पे रखना है सेंटर पे रखना है कहाँ रखना है उसके काम में आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट कमांड नेक्स्ट है द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इज़ यूज टू मॉडिफाई द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है आपके डॉक्यूमेंट में आपने जो कुछ भी टाइप किया है तो टू लाइंस के बीच में आपको कितना स्पेस देना है एंड टू पैराग्राफ्स के बीच में आपको कितना स्पेस देना है उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज में लेते हैं लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नेक्स्ट है द पैराग्राफ स्पेसिंग इज यूज टू फॉर्मेट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो आपको पता है कि टू पैराग्राफ्स के बीच में या मतलब उसके बाद में या पहले आपको कितना स्पेस छोड़ना है उसके काम में आता है नेक्स्ट द ले आउट टैब हैज़ ऑप्शन टू फॉर्मेट मार्जिन ओरिएटेशन एंड पेस साइज ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो लेआउट टैब होता है ऊपर जो इंसर्ट टैब जहाँ होता है उसके पास में जो लेआउट टैब होता है वो किस चीज़ के काम में आता है आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट uh, है उसकी फॉर्मेट करने के लाइक like, उसमें कितना मार्जिन रखना है उसका ओरिएंटेशन क्या देना है और पेज की साइज क्या रखनी है ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं आपकी लेआउट टैब के अंदर नेक्स्ट है द कॉलम्स कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन कॉलम्स आपको किसी भी कॉलम में कोई टेक्स्ट कर लिखना है टाइप करना है तो आप उसके लिए कौन सी कमांड यूज में लेंगे स्टूडेंट्स आप उसके लिए काम में लेंगे कॉलम कमांड द प्रिंट कमांड इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट एंड जो प्रिंट कमांड होती है अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है ठीक है आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है तो आप उसके लिए प्रिंट कमांड का यूज में लेंगे सो so, स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर फोर मोर ऑन वर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे So be ready for this students. Thank you so much. Bye bye.